गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज चंद्रवीर सिंह। हाउ आर यू ऑल? ओके, टुडे वी स्टडीइंग इन मैथ बुक ए। ओके, ओपन योर पेज नंबर 1, चैप्टर 1, शेप्स, लाइंस एंड शैडोज। पेज नंबर 1, जंप स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी कॉर्नर्स डज ईच शेप इन द गिवन इमेज हैव? मींस हाउ मेनी कॉर्नर्स, कितने कॉर्नर्स हैं इन इमेजेस में, स्क्वायर में, ट्रायंगल में, रेक्टेंगल में, एंड सर्किल में, बताइए। कॉर्नर मींस, ओके, कॉर्नर मींस द पॉइंट ऑफ प्लेस वेयर एजेस और साइड्स और लाइंस में। एक पॉइंट लाइक दिस, जहां पर टू लाइंस मिलती हो, उसे हम कॉर्नर कहेंगे। ओके ओके फ्रेंड्स, कॉर्नर किसे कहेंगे? जहां पे टू लाइंस स्ट्रीट और एजेस जहां पर मिलते हो, लाइक दिस। अब जो ये जो पॉइंट है, ये क्या है? कॉर्नर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेल मी हाउ मेनी कॉर्नर इन दिस स्क्वायर। 1, 2, 3, 4, how many corners? 4. How many corners in a triangle? 1, 2, 3. 3 corners. How many corners in a rectangle? 1, 2, 3, and 4. How many corners in a circle? No, 0. Okay? 0. This is a corner. Look. This is a corner where two streets or lines meet. Okay? क्वेश्चन नंबर 2, नेम दीज शेप्स, पिक द वंस दैट फ्लाई एंड टॉस द वंस दैट रोल। हमें क्या करना है? इन शेप्स के नेम लिखने हैं और टिक लगाना है जो स्लाइड होती है। स्लाइड यानी स्लाइड एंड क्रॉस। क्रॉस किस पे लगाना है? जो रोल होती है, घूमती हो। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस शेप? क्यूब। हमने पिछली क्लासेज में, फर्स्ट क्लास में पढ़ा था ना, मैंने आपको सिखाया था दिस इज ए क्यूब, दिस इज ए स्फीयर। स्फीयर बोला करना है जो स्लाइड हो। तो स्लाइड कौन कौन से होंगे? क्यूब,
cuboid. And rows the ones that roll. और जो roll होगा उसमें क्या करना है हमें? Rows. Understand? Page number 5. Let's try 1.1. Question number 1. Write number of play and curved faces for the given shapes. This is a cone. Okay? Okay, now tell me how many flat faces in cone. कितने flat face हैं cone के अंदर? Flat यानी चपटा, flat. Okay? इस टाइप का. ठीक है? One है ना? And curve, यानी घूमते हुए. ये कितना है? ये पूरा one है ना? आपने कभी आइसक्रीम खाई है? कौन देखा है उसका? तो एक ही curve face होता है ना उसका? Cube, dice. कुछ इस टाइप का होता है ये. Okay, friends. Flat faces. कितने flat faces होंगे? सबसे ऊपर वाला one, सबसे नीचे वाला two, side वाला three, inside वाला four, सामने वाला five and पीछे वाला six. Total कितने हुए? Six. Curved face zero. Okay. एक भी round वाला नहीं है ना? कर नहीं है ना तो जीरो. स्लेंडर शेप, स्लेंडर शेप लाइक ए ट्यूब लाइट. ओके फ्रेंड्स, इसमें या फिर कोई भी बोतल, या अपने घर में जो सिलेंडर होता है वो, उसमें कितनी कर फेसेस होते हैं? वन. ये जो पूरा फेस होता है कर, ये वन ही होगा ना? And plate faces, one here and second this. Total two plate faces. A sphere, zero plate faces and one curved face. Clear friends? सबको समझ में आया? Question number 2. The table shows a few objects. Tick the ones that roll as well as slide. हमें टिक करना है, ये ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं ना इन पर, लेकिन किस पर टिक करना है? जो स्लाइड भी हो सकते हैं और रोल भी हो सकते हैं. तो ये जो सिलेंडर शेप है ये स्लाइड भी हो सकता है एंड रोल भी हो सकता है, तो इस पर टिक कर देंगे. बोतल, वाटर बोतल, ये स्लाइड भी हो सकती है एंड रोल भी हो सकती है. ओके, ड्रम, ये स्लाइड भी हो सकता है एंड रोल भी हो सकता है. कैप, बर्थडे कैप, ये स्लाइड भी हो सकती है एंड रोल भी हो सकती है. कीप, ये स्लाइड भी हो सकता है, रोल भी हो सकता है. ओके, बट बॉल, बॉल स्लाइड नहीं हो सकती. ज्योमेट्री बॉक्स रोल नहीं हो सकता. गिफ्ट बॉक्स रोल नहीं हो सकता. ओके स्टूडेंट्स, तो हम टिक कहाँ कहाँ करेंगे? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, यहाँ. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स इज नॉट सिमिलर टू द अदर 3, व्हाई? देखो इनमें से डिफरेंट कौन सा है, बताइए जल्दी से, सोचिए. This one, sphere, because we cannot drag to sphere. हम sphere को खिसका नहीं सकते, यानी कि ये खिसक नहीं सकता, ये केवल roll होगा. ओके, ये खिसक सकता है. इसको अगर अपन सीधा रख देंगे ना तो ये भी खिसक जाएगा, ये भी खिसक जाएगा, लेकिन ये तो only roll ही होगा. तो यहाँ पर हम tick कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, Serena has
टू सॉलिड शेप्स विथ सिक्स फ्लैट फेसेज ईच बोथ ऑफ शेप्स आर डिफरेंट नेम द टू शेप्स। सेरेना के पास, सेरेना के पास टू शेप्स हैं डिफरेंट, सिक्स फ्लैट शेप्स वाली, मेबी वन हो सकता है, एक ये हो डस्टर, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। ओके, तो एक तो डस्टर हो सकता है, सेकंड वन इज डाइस, ठीक है वो हो सकती है, उसमें भी सिक्स पेसेज होते हैं। ओके, थैंक यू।